हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस की तरफ से कांस्टेबल के पदों पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, फॉर्म भरने के लिए एज कितना होना चाहिए, एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने वर्ष का मिलेगा, फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा, और फॉर्म भरने में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में भी जानेंगे फ्रेंड। और ये भी जानेंगे फ्रेंड कि कोई दूसरा स्टेट से कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो उसे किस तरह से फॉर्म भरना चाहिए कि उसका फॉर्म रिजेक्ट न हो। तो फ्रेंड, बिना देर किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं। योग्यता की बात करें फ्रेंड तो 12वां पास सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट फ्रेंड 21,391 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आया हुआ है। आगे चलते हैं फ्रेंड, फॉर्म अप्लाई की बात करें फ्रेंड तो 20 तारीख 6वां महीना 2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 20 तारीख 7वां महीना 2023 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरते हैं तो उन्हें 675 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा और एससी एसटी को 180 रुपया लगेगा। फ्रेंड, अगर आप लोग कोई दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं ना तो आप लोग को जनरल में भरना होगा, यानी अनरिजर्व्ड में भरना होगा, अनरिजर्व्ड में। अगर आप भर देते हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में भर दीजिएगा, मान लीजिए कि आप दूसरे स्टेट में उत्तर प्रदेश से भरते हैं, आप उत्तर प्रदेश में ओबीसी आप हैं, ओबीसी है ना फ्रेंड, इसमें भी चूज कर दीजिएगा बिहार पुलिस के फॉर्म भरते वक्त ओबीसी चूज कर दीजिएगा तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर जो आप लोग दूसरे स्टेट से बिहार में भरते हैं तो आप लोग को जनरल चुनना होगा, अनरिजर्व्ड चुनना होगा, यूआर चुनना होगा। अगर वो बिहार के ओबीसी हैं तो आप लोग बिहार के ओबीसी में आप लोग चुनकर आप लोग भर सकते हैं फॉर्म। ईडब्ल्यूएस है बिहार से तो आप लोग बिहार से फॉर्म भर सकते हैं ईडब्ल्यूएस से, लेकिन अदर स्टेट से कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी में आप लोग आते हों, आप लोग को जनरल ही चुनना होगा। बिहार वाले अपने कैटेगरी चुन सकते हैं, बिहार से अगर आप हैं तो ओबीसी चुन सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस चुन सकते हैं, जनरल है तो जनरल चुन सकते हैं, सभी चुन सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो भी हैं उन्हें चुनना होगा जनरल ही। एज की बात करें फ्रेंड तो मिनिमम एज 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल चाहिए। बीसी और ईबीसी को उम्र में 2 साल का छूट मिलेगा और बीसी और ईबीसी के महिलाओं को उम्र में 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। यानी बीसी ईबीसी के पुरुष जो होंगे वो 18 से 27 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं और बीसी और ईबीसी के महिला 18 से 28 साल तक फॉर्म को भर सकती है और एससी एसटी 18 से 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। यानी एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा, बीसी ईबीसी को 2 साल का छूट मिलेगा पुरुष में, और बीसी ईबीसी की अगर महिला हैं तो उन्हें 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा। और जनरल वाले विद्यार्थी 18 से 25 साल तक ही फॉर्म को भरेंगे। और आप लोग के कब से एज काउंट किया जाएगा फ्रेंड, ये भी मन में विद्यार्थी को डाउट रहता है कि कब से एज काउंट किया जाएगा, तो 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक आप लोग का 18 से 25 साल हो जाता है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और बीसी और ईबीसी को 27 साल भी हो जाता है 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक तो फॉर्म भर सकते हैं, और बीसी और ईबीसी के महिलाओं का 18 से 28 साल तक 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक हो जाता है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आगे कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें फ्रेंड तो यूआर में 8556 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 2140 सीट है, बीसी में फ्रेंड 2570 सीट है, ईबीसी में 3842 सीट है, और बीसी फीमेल के लिए सीट है फ्रेंड, एससी के लिए 3400 सीट है, और एसटी के लिए 228 सीट है, और टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड तो 21,391 सीट है। आगे चलते हैं फ्रेंड, सिलेबस की बात करें फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न आएगा, विज्ञान से प्रश्न आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित से प्रश्न आएगा फ्रेंड, और करंट अफेयर से प्रश्न आएगा फ्रेंड। सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है फ्रेंड, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आप लोग को पढ़ना होगा सामाजिक विज्ञान में। विज्ञान की बात करें फ्रेंड तो विज्ञान में आप लोग को भौतिकी पढ़ना होगा, रसायन शास्त्र पढ़ना होगा, प्राणी विज्ञान पढ़ना होगा और वनस्पति विज्ञान पढ़ना होगा, हिंदी पढ़ना होगा, अंग्रेजी, गणित पढ़ना होगा और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न आएंगे। यानी आप लोग का करंट अफेयर आएगा कि हाल फिलहाल में जो घटना घटा है, 2 से 4 महीने का जो घटना रहेगा फ्रेंड, उस पर भी आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, जीके जीएस से आप लोग को 45 क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस से 45 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 10 क्वेश्चन आएगा और हिंदी इंग्लिश मिलाकर दोनों से 15 क्वेश्चन आएगा, हिंदी इंग्लिश मिलाकर दोनों से 15 क्वेश्चन आएगा और साइंस से 30 क्वेश्चन आएगा। और टोटल क्वेश्चन फ्रेंड 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा तो टोटल नंबर आप लोग का 100 हो जाएगा, यानी 100 नंबर का परीक्षा रहेगा और 100 क्वेश्चन भी रहेगा फ्रेंड। आगे चलते हैं फ्रेंड, फिजिकल की बात करें, हाइट की बात करें फ्रेंड पुरुषों के लिए तो जनरल बीसी को 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और ईबीसी या एससी या एसटी को 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए पुरुषों के लिए, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फ्रेंड 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करें फ्रेंड तो जनरल बीसी ईबीसी को 81 से 86 चेस्ट चाहिए, 81
बिना फुलाए और फुलाने के बाद 86 रहना चाहिए, और एस सी एस टी को फ्रेंड 79 से 84 चाहिए, यानी बिना फुलाए 79, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल का कोई फ्रेंड छाती नापा नहीं जाता। रनिंग की बात करें फ्रेंड पुरुषों के लिए तो 1.6 किलोमीटर आप लोग को 6 मिनट में तय करना होगा, और महिलाओं के लिए फ्रेंड रनिंग की बात करें 1 किलोमीटर आप लोग को 5 मिनट में तय करना होगा। गोला फेंक की बात करें फ्रेंड तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट आप लोग को फेंकना होगा पुरुषों को, और महिलाओं को फ्रेंड 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें फ्रेंड पुरुषों के लिए तो कम से कम आप लोग को 4 फीट फानना होगा पुरुषों को, और महिलाओं को 3 फीट फानना होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड, आप लोग अगर दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो आप लोग को अपना कैटेगरी यूआर ही चुनना होगा, यानी अनरिजर्व ही चुनना होगा, जनरल ही चुनना होगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग ओबीसी से हैं, उत्तर प्रदेश में ओबीसी से हैं और बिहार में भी चुन देते हैं ओबीसी, तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग जनरल ही चुनिएगा अगर आप लोग दूसरे स्टेट से फॉर्म को भरिएगा तो। ऐसा ना कि आप लोग चुन लीजिएगा जो आपका कैटेगरी है वो चुन लीजिएगा, लेकिन ऐसा कीजिएगा तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोग डायरेक्ट जनरल में फॉर्म भरिएगा, आप लोग को कोई भी छूट दिया नहीं जाएगा जनरल की तरह, जो जनरल को छूट नहीं मिलता है इसी तरह आप लोग को कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। भरने के लिए जरूरी दस्तावेज आप लोग के पास फ्रेंड आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से तीनों में से कोई एक रहना चाहिए, ईमेल आईडी रहना चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, 12वां का सर्टिफिकेट चाहिए, एक न्यू खींचा हुआ फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। और फ्रेंड जो बिहार से भरेंगे ईडब्ल्यूएस से भरिएगा तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी से भरिएगा तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी से भरिएगा तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोग फ्रेंड जनरल से भरते हैं तो कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा फ्रेंड, क्योंकि जनरल को कोई छूट ही नहीं मिलता है। फ्रेंड अगर आप लोग को मेरा बताया वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।